हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका एक और पाइथन वीडियो के अंदर। इस पाइथन वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट्स के ऊपर, इनकी कहाँ ज़रूरत पड़ती है और हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, उस सब के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं, तो एक क्यों से स्टार्ट करते हैं कि हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मान लीजिए आपके पास एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नंबर एक, और उसके कुछ डिपेंडेंसीज हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट रीजनेबली बिग साइज़ का है, यानी कि रीजनेबल कॉम्प्लेक्सिटी उसकी है, तो उसको ज़रूरत पड़ती है कुछ डिपेंडेंसीज की, यानी कि थर्ड पार्टी पैकेजेस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे लिस्टिंग की है कुछ की, जैसे इस जो आपका प्रोजेक्ट वन है, मान लीजिए उसको चाहिए NumPy, Pandas, Pillow एंड SciPy, और उनके वर्जनस भी हमने साथ में स्पेसिफाई कर दिए कि कौन से वर्जन में उसको रिक्वायर्ड है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि Pandas का यहाँ पे वर्जन है 1.5.1। तो इस तरीके से हमने डिपेंडेंसीज को लिस्ट कर दिया। तो अब आप कहेंगे कि नथिंग टू वरी, लाइक किसमें क्या प्रॉब्लम है, आई कैन सिंपली डू अ क्विक लेट्स से पिप इंस्टॉल एंड आई कैन इंस्टॉल ऑल द डिपेंडेंसीज। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आप पिप की हेल्प से ये सारी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर सकते हैं, तो उसमें बिल्कुल भी आप कुछ गलत नहीं सोच रहे हैं, आप बिल्कुल ही सही सोच रहे हैं। लेकिन अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कि वट इफ देयर इज अनदर प्रोजेक्ट, आप क्या करेंगे कि अगर आपके पास एक और प्रोजेक्ट भी है, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो मान लीजिए आपके पास एक दूसरा पाइथन प्रोजेक्ट है, दैट इज पाइथन प्रोजेक्ट टू। अब मान लीजिए उसके डिपेंडेंसीज हैं scikit-learn, pandas, requests और tensorflow। अब अगर आप देखेंगे कि बाकी सब डिपेंडेंसीज तो उसकी अलग हैं, लेकिन एक डिपेंडेंसी है जो पिछले प्रोजेक्ट जैसे ही बिल्कुल सेम है। इसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए चलते हैं अगले स्लाइड पर। तो आप देख रहे हैं कि पाइथन प्रोजेक्ट वन एंड पाइथन प्रोजेक्ट टू, आपको दो पाइथन प्रोजेक्ट नज़र आ रहे हैं जिनके बाकी सब डिपेंडेंसीज में कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि सब इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं। लेकिन अगर आप बात करें pandas पैकेज की, तो उसकी वर्जन्स में यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ रहा है। यानी कि अगर आप बोलेंगे pip install pandas, तो आप इन दोनों में से एक ही वर्जन बोल सकते हैं, आप ये नहीं बोल सकते कि समय पर कि आप दोनों वर्जन्स को इंस्टॉल कर सकें। तो यहाँ आकर हमें प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आपके पास ऑलरेडी एक पैकेज एक वर्जन के अंदर इंस्टॉल्ड है, तो आप उसको दूसरे प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ करें। तो देखते हैं क्या है इसमें। सो वर्चुअल एनवायरनमेंट टू द रेस्क्यू, तो अभी तक आप समझ चुके हैं कि इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एग्जिस्ट करता है वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या करता है, जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम आपको इस विजुअल के जरिए समझाने की कोशिश करें कि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या कर रहा है। अगर आप देखेंगे कि वर्चुअल एनवायरनमेंट कहता है कि मैं एक आइसोलेटेड स्पेस प्रोवाइड करूँगा पाइथन प्रोजेक्ट वन की डिपेंडेंसीज के लिए भी और पाइथन प्रोजेक्ट टू की डिपेंडेंसीज के लिए भी। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट को अगर समझने की कोशिश करें तो क्या है, अगर इसको बहुत ही आसान भाषा में समझें, तो नथिंग बट अ सेल्फ कंटेन्ड डायरेक्टरी, यानी कि एक डायरेक्टरी है, सेल्फ कंटेन्ड है, जिसके अंदर कि पाइथन का इंटरप्रेटर अपना है और अपने ही सेट ऑफ इंस्टॉल्ड पैकेजेस हैं। यानी कि एक तरह से एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। तो ये आइसोलेशन प्रोवाइड कर रहा है, कहने का मतलब है कि अगर आपने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया है, तो उसका दूसरे वर्चुअल एनवायरनमेंट के साथ कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि आप एक प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट वर्चुअल एनवायरनमेंट बना सकते हैं, दूसरे के लिए आप डिफरेंट बना सकते हैं, और वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे किसी भी तरह से। डिपेंडेंसी मैनेजमेंट का मतलब है कि आप हर प्रोजेक्ट की जो डिपेंडेंसीज हैं उनको अलग से मैनेज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस ये आइसोलेशन के साथ ही एक तरह से इंटरलिंक्ड है कि आपको दोनों की डिपेंडेंसीज आप अलग अलग से मैनेज कर सकते हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करेंगी। सिमिलरली वर्जन कंपैटिबिलिटी का इससे इशू रिजॉल्व हो ही जाएगा। अगर दोनों के वर्जन आप अलग अलग जगह पर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसमें एक तरह से कन्फ्लिक्ट नहीं रह जाएगा कोई भी। उसके बाद बात करते हैं प्रोजेक्ट पोर्टेबिलिटी की। अगर आपको अपना प्रोजेक्ट किसी के साथ शेयर करना है, तो आप अपनी requirements.txt फाइल सिंपली उनके साथ शेयर कर सकते हैं, और वो भी वैसा ही वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जैसा कि आपने क्रिएट किया था। यानी कि जिस वर्जन का यूज़ आपने किया था, वही वर्जन सारी उनके पास भी सेटअप ईजिली हो जाएंगे इसकी हेल्प से। अब बात करते हैं कि आपको एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कैसे करना है। तो ये सब चीज़ें हम साथ ही साथ एक्सपेरिमेंटल थोड़ा करके भी देखते हैं। सबसे पहले हम एक चीज़ चेक करते हैं कि अगर मैं pip install pandas करता हूँ तो क्या होता है, क्योंकि हमारा यही कन्फ्लिक्ट था। तो हम थोड़ा इसको पहले प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं उसी स्लाइड पर आपको वापस लेकर जाऊँगा। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे। तो मान लीजिए सबसे पहले मैंने बोला pip install pandas, तो देखते हैं कि क्या ऑलरेडी, तो ये बोल रहे हैं कि इट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो अगर आप देखेंगे कि इट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन वर्जन 2.0.3, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ कि pip install pandas equals 1.5.1। तो हम देखते हैं क्या होगा। तो ये इसने इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये बोल रहा है कि ओके इंस्टॉल्ड कलेक्ट पैकेजेस अटेम्प्टिंग अनइंस्टॉल pandas। नाउ इफ यू सी फाउंड एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन ऑफ pandas 2.0.3 अनइंस्टॉलिंग दिस एंड सक्सेसफुली अनइंस्टॉल्ड दिस एंड सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड pandas 1.5.1। तो यानी कि आपने देखा
कि जब हमने एक ग्लोबल लेवल पर एक पैकेज के ऊपर दूसरा पैकेज इंस्टॉल करने की कोशिश की तो उसने क्या किया, उसने दूसरे पैकेज को निकाल दिया और ख़ुद वहाँ पर जाके वो इंस्टॉल हो गया। तो अब मैं एक और काम करता हूँ, मैं फिर से बोलता हूँ कि pip install let's say pandas only। अभी जब हम कोई भी वर्जन स्पेसिफाई नहीं करते तो उसका मतलब होता है लेटेस्ट वर्जन ओनली। तो हम एंटर करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर ही क्या बोल रहा है हमें कि ये रिक्वायरमेंट तो ऑलरेडी है सेटिस्फाइड, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो अभी ये 1.5.1 को ही देखकर बोल रहा है कि pandas तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा। तो अब हम फिर से इसको बोलेंगे कि pip install let's say pandas equals 2.0.3। तो अब हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हमें 2.0.3 चाहिए। तो अगर अब आप दोबारा देखेंगे तो ये बोल रहा है कि अटेम्प्टिंग अनइंस्टॉल पांडास फाउंड एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन विच इज 1.5.1 अनइंस्टॉलिंग 1.5.1 एंड सक्सेसफुली अनइंस्टॉल्ड देन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड पांडास 2.0.3। विच मीन्स कि ग्लोबल लेवल पर तो आप दो वर्जन को एक साथ नहीं रख सकते, ये आप देख चुके हैं। तो चलिए अब हम एक काम करते हैं, अब हम दोनों के लिए अलग अलग वर्चुअल इन्वायरमेंट्स को इंस्टॉल करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि उसका क्या इंपैक्ट होता है। तो बहुत ही सिंपल सा कमांड है python -m venv और उसके बाद हम नाम दे सकते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट का। इसका मैंने नाम दे दिया है project01। तो ये मेरा एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बन चुका है यहाँ पे। अगर मैं ls करके देखूंगा तो project01 नाम से यहाँ पे ऑलरेडी एक डायरेक्ट्री मेरी बन चुकी है। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, एक नया वर्चुअल इन्वायरमेंट और बना लेता हूँ project02 के नाम से भी, और ये भी बन चुका है। ls करके देखते हैं तो project01 और project02 हमारे दोनों बन चुके हैं। कमांड यही python -m venv और उसके बाद जो भी आपका प्रोजेक्ट का नाम, राइट। तो अगर हम इसको थोड़ा सा इंस्पेक्ट करके देखें कि project01 के अंदर एक्चुअल में है क्या, तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास bin है, include है, lib है और कुछ configuration है, राइट। सबसे पहले देखते हैं bin में क्या है। बिन में आप देख पा रहे हैं कि कुछ एक्टिवेट करके है, पिप करके है, पिप 3 है, पाइथन है, पाइथन 3 है। तो आप अगर आप देख पाए तो यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास एक इंटरप्रेटर की कॉपी आपको मिल चुकी है और 3.11 यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं वापस चलता हूँ यहाँ से, लिब में चेक करता हूँ। लिब में इन्होंने लिखा पाइथन 3.11, उसके अंदर जाएंगे तो उसके कुछ साइट पैकेजेस हमें मिल जाएंगे। तो कुछ टूल्स जो कि रिलेटेड हैं आपके पाइथन 3.11 से वो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, राइट। तो अब वापस चलते हैं, सिमिलरली सेम ही आपका जो स्ट्रक्चर है वो प्रोजेक्ट 2 के केस में भी रहने वाला है, तो उसमें हमें अलग से जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर कि इसको एक्टिवेट कैसे करना है, हम कब पता चलेगा कि हम जो भी हम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट 1 में कर रहे हैं या फिर प्रोजेक्ट 2 में कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है उसके लिए, हमें स्पेसिफिकली उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो लेट्स सी, उसके लिए बहुत ही सिंपल सी कमांड है, हम सोर्स लिखेंगे, उसके बाद जो भी हमारे वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम है जैसे कि project01, bin और उसके बाद एक्टिवेट। तो अगर आप देखेंगे आपका प्रॉम्प्ट यहाँ पे चेंज हो चुका है, पहले सिर्फ बेस लिखा आ रहा था, अब यहाँ पर ये लिख रहा है project01, यानी कि अब आप स्पेसिफिकली project01 के वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर जा चुके हैं। तो अब जो भी पैकेजेस मैं इंस्टॉल करूँगा वो बाय डिफॉल्ट मेरे सिर्फ इसी वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर इंस्टॉल होंगे, वो मेरे बाकी किसी वर्चुअल इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी मतलब इंटरफेयर उसके साथ नहीं करेंगे। तो चलिए कुछ पैकेज हम इसमें इंस्टॉल करके देखते हैं। एक बार ज़रा दोबारा से अपनी डिपेंडेंसीज पर जाते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ से हम कोई रैंडमली जैसे रिक्वेस्ट करके एक मॉड्यूल है वो हम इंस्टॉल करके देखते हैं। तो pip install let's say requests, एंटर किया हमने और ये इसका इंस्टॉलेशन बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट रन करेंगे इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डीपली समझने के लिए। तो अब हमने देखा कि हमने project 1 वर्चुअल इन्वायरमेंट में ही रिक्वेस्ट अपने मॉड्यूल को इंस्टॉल किया है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिखूँगा पाइथन जस्ट टू गो इनसाइड द पाइथन का इंटरप्रेटर। अब यहाँ पे मैं करके देखूँगा इंपोर्ट लेट्स से रिक्वेस्ट। तो आप देख पा रहे हैं कि हम इसको इंस्टॉल कर पा रहे हैं। तो रिक्वेस्ट का हम यहाँ पर वर्जन चेक करते हैं, दैट इज 2.2.31.0। अब हम करते हैं यहाँ से एग्जिट, अब हम इसको कर देते हैं डीएक्टिवेट और अब हम चलते हैं दूसरे वर्चुअल इन्वायरमेंट की तरफ जिसका नाम है कि 02। पाइथन टाइप करते हैं और यहाँ पर भी, अच्छा हमने इसको एक्टिवेट नहीं किया है तो इसको हम एग्जिट कर देते हैं। एक्चुअली हमें करना था सोर्स project02 bin और एक्टिवेट। तो अब हम चलेंगे इसके अंदर, अब हम करेंगे इंपोर्ट रिक्वेस्ट्स और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें एरर आ रहा है कि नो मॉड्यूल नेम्ड रिक्वेस्ट्स। तो इसका क्या मतलब है कि जिस वर्चुअल एनवायरनमेंट में हमने स्पेसिफिकली किसी चीज़ को इंस्टॉल किया है सिर्फ उसी वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर वो चीज़ अवेलेबल है और बाकी किसी वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर वो अवेलेबल नहीं है।
यानी कि अगर मुझे किसी भी वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर कोई चीज़ यूज़ करनी है तो मुझे उसको स्पेसिफिकली पिप इंस्टॉल करके उसी स्पेसिफिक वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा, और इससे हमारी जो वर्जन्स वाली प्रॉब्लम आ रही थी हमें वो ईजिली हो जाएगी रिसॉल्व। तो यही है कॉन्सेप्ट वर्चुअल इन्वायरमेंट्स का, और इसीलिए वर्चुअल इन्वायरमेंट्स को हम यूज़ करते हैं ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की जो डिपेंडेंसीज हैं उनको हम अलग अलग से मैनेज कर सकें। अब वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने के तरीके कुछ और भी हैं जो कि मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, बट फ्यूचर में मैं डेफिनेटली उनके ऊपर एक वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। जैसे कि आज हमने यूज़ किया VENV का, जो कि पाइथन का एक बिल्ट इन मॉड्यूल है, लेकिन ये पाइथन की सभी वर्जन्स में अवेलेबल नहीं था। जितना मुझे याद है आई थिंक ये सिर्फ 3.3 के बाद ही अवेलेबल होना शुरू हुआ था। आप चाहें तो गूगल करके इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। और एक और भी तरीका है जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल ENV, वो एक टूल होता है जिसकी हेल्प से भी हम वर्चुअल इन्वायरमेंट बना सकते हैं। सिमिलरली अगर आप एनाकोंडा यूज़र हैं तो आपको पता होगा कि एक कोंडा नाम से भी एक मैनेजर आता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम सिर्फ इसी के ऊपर ही बात करने वाले थे, तो जो बाकी सब है वो हम किसी फ्यूचर वीडियो में डेफिनेटली कवर करेंगे। और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप लाइक और कॉमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और जिनको आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिल सकती है आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।